अब तक यहाँ पहुंचा हूँ, जो भी मेरी पब्लिक है 19-20 लोगों की, जितना भी जिन जिन लोगों ने भी आप लोगों ने मेरे को प्यार दिखाया है, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अभी 3 बजने वाले हैं, आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट करूँगा क्योंकि एक काम से जाना है, अभी छोटा सा बैंक का काम भी है, और उसके बाद मेरे को जाना है मयूर विहार, एक अंकल से मिलना है। सो ही पूछूँ अंकल है आज अवेलेबल है, फ्री है नहीं है, सो फिर बात करते हैं कि फिर जाना है नहीं जाना, फिर डिसाइड हो रहा हो तो। एक बार पहले जूते और पॉलिश कर लो, बहुत गंदे हो रहे हैं। एक तो 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बदलते मौसम से ना पूरा वेदर चेंज हो रहा है, और मीठा भी खा लिया था, एक दूसरा मीठा खाया हुआ था तो उससे भी बहुत नाक बंद हो गई थी, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है मेरे को, जब नाक बंद हो जाती है ना। अरे भैया रुक जा, इतनी तेज़ हवा चल रही है, 2 बारी बंद कर लिया फिर खुल जाएगा, अभी देखना अभी देखना, ये देख ये देख ये देख, चलो रुक गया भैया, मत बंद होइए प्लीज़, गाड़ी निकालने दे। सो भाई निकल पड़े हैं, 3:18 हो रहे हैं अभी, मोटा मोटी बैंक का होगा 5-10 मिनट का काम मैक्स मैक्स, हाँ 5-10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। और अभी जस्ट पूछता हूँ अंकल से, अंकल का क्या हिसाब किताब है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितनी देर में आएंगे, एक बारी लोकेशन भी पूछनी है कि कहाँ पर पड़ेगा ये उनका ऑफिस। सो जितनी देर लगेगी चलते हैं। अरे एक तो ना 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा लोलो सा फील हो रहा है, लोलो भी क्या मतलब, लाइफ में ना कोई कोई चीज़ें ना जैसा आप चाहते हो वैसी नहीं चलती, तो उस चीज़ से भी बहुत एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलो अभी चलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे इस टॉपिक पे। कर दिया कि आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर एक बार दूसरे अंकल से बात करी थी, मैंने कहा एक बार अंकल आप कहाँ पे, उनसे मिल लेता हूँ, तब दूसरे अंकल से जाना है मेरे को, वैसे मैं आपको दिखा भी रखा है मौलाना आज़ाद जाता भी रहता हूँ मैं, सो काम के सिलसिले में जाना है, कुछ बात बात करनी है। सो अभी जस्ट मैं पहुँच गया INA। सो मैं क्या कह रहा था, मैं एक चीज़ बोल रहा था कि मेरे को ये चैनल बनाए हुए मोटा मोटी 1 साल हो गया, दिसंबर में स्टार्ट किया था 21 में, और जान फेब से मैंने व्लॉग्स डालने स्टार्ट करे थे अपने, जैसे धीरे धीरे जो भी ग्रोथ हो जो भी इम्प्रूवमेंट हो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया था, अब तक यहाँ पहुँचा हूँ, जो भी मेरी पब्लिक है 19-20 लोगों की, जितना भी जिन लोगों ने भी आप लोगों ने मेरे को प्यार दिखाया है, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब बंदा 0 से स्टार्ट किया था और आगे भी बढ़ेंगे। अभी तो ये जो मेरी पब्लिक 19-20 लोगों की, सिर्फ आप लोग हैं, मेरा कोई नोन्स नहीं है इसमें सिवाय पार्थ के, सिर्फ पार्थ भी इसलिए क्योंकि पार्थ बढ़िया बंदा है, मतलब मेरे को स्वीट बंदा, सिंपल बढ़िया रखता है बंदा, तो ये सिर्फ उसको बता रखा था, ये बात तो मेरी मम्मी को भी नहीं पता था। अराउंड 5-6 महीने तक तो मम्मी को भी, तो ऐसी फोन चेक कर रही थी तो उनको पता चला ये साला कैमरे से क्या बात करता रहता है, तो तब उनको पता चला था, वैसे किसी को नहीं पता कि मतलब मेरे नोन्स में, स्कूल वालों को, कॉलेज वालों को भी पता चल जाएगा, मैं चाहता हूँ कि अपने आप पता चले, तो वो ज़्यादा एक अलग वो होता है, फैक्टर होता है, अलग खुशी होती है उस चीज़ की। सो बस मैं तो यही चाहता हूँ, मेरी जो पब्लिक है जिन्होंने आपने इतना सपोर्ट किया, 19-20 लोग, जितना आप प्यार दिखाया कि बंदा 0 से स्टार्ट करा है, बंदा कंटेंट दे रहा है, प्यार दिया, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप और प्यार दे जो भी आपके जानने वाले नूनज हैं। अरे भैया ले भाई तू चला जा भाई, आप ये भी दे रहा है प्यार, बहुत सारा प्यार दे रहा है, हॉर्न मार मार के दे रहा है प्यार। सो बस थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, थैंक यू। और बाकी आपको और चीज़ें शेयर करता रहूँगा अपनी लाइफ के, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी मेरे साथ हुआ है, या बहुत सारी चीज़ें हैं बताने की, तो बताऊँगा धीरे धीरे। हाँ जी हाँ हाँ हाँ, क्या क्या हुआ भैया, यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना हमेशा, कभी यहाँ दिल्ली में आओ इस एरिया में, अगर येलो लाइन से क्रॉस करते हो तो आप चलान, आपका चलान कट सकता है क्योंकि आप अपनी लेन में नहीं हो, येलो लाइन टच करते ही पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। मैं तो बहुत ही चीज़ बहुत बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन से चलने वाला आदमी हूँ भाई, क्यों खाम खाम में खड़ा तीर लेना है। ये है भैया इंडिया गेट, भाई कितनी भयंकर भीड़ लग रही है इसमें आज ट्यूजडे, कहाँ जाएगा भाई कहाँ जाएगा, इतनी चलो होती है ना इन लोगों को, तो बाइक वालों को तो किसी किसी को तो पूछो ही मत। ये देख
ये मैं तो बचपन में आया था, ये मतलब हो गए होंगे 4-5 साल हो गए इधर आए हुए। तो चलो जी पहुंच गए मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। आज अगर छोले वाले भैया मिल गए, छोले कुलचे वाले, वो भी खा लेंगे। उनके ख़त्म हो जाते हैं अब तक तो। 3:30-4:30 बज गए। भैया तो है नहीं, पर इनके पास कुलचे ख़त्म हो गए, छोले थोड़े से बच रहे हैं, बट छोले खा लेंगे अगर भैया मिल जाएं तो। भैया है नहीं, पता नहीं भैया कहाँ गए। चलो भैया तो आ गए हैं, खाएं, खिला दो जी, खिला दो, छोले खिला दो बस। मीडियम ही रख लो, देख लो कोई एक आध पड़ा हो तो कुलचा। नहीं सर, नहीं है सर। पूरे होठ और जीभ लाल हो गई, बहुत मिर्ची डाल दी, बहुत मिर्ची। मैंने बोला था मीडियम बना दियो भाई, ठोक दी। अभी दूध का एक शेक पिया था तो जाके आराम पड़ा, नहीं तो बहुत तेज मिर्ची थी, बहुत तेज। चलो जी काफ़ी शांति होती है यूनिवर्सिटीज़ में, एक तो सब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ऊपर से ना फालतू की भसड़। वैसे भी साइंस का है तो पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं, हमारा जल्दी वाले कम होते हैं। तो अब सीधा घर चलते हैं, अब एक पाल से भी पूछना है कि भाई कहाँ पे है, उसका पेपर था 2 से 5 का। अभी हमने याद कर, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सारे डिवाइडेड हैं सब पार्ट्स में, सबका अलग अलग नाम है, मतलब नाम मेरे को ऐसे नहीं पता, सबके अलग अलग हॉस्टल्स हैं, सबके अलग अलग नाम है हॉस्टल्स के, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है बेसिकली सब्जेक्ट्स का, ये किसी और सब्जेक्ट का होगा, मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी, मतलब हॉस्पिटल भी है इसके अंदर, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसके साथ हॉस्पिटल के साथ ही बनाई जाती है आपकी ये कॉलेज वगैरह, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है इनमें, तो इसलिए पूरी की पूरी कॉलोनी लगती है, कॉलोनी सोसाइटी। ये देख रहे पद्मावती हॉस्टल, ऐसे सब डिवाइडेड है ये पूरी, ये देखो ये पूरी बहुत बढ़िया है, बहुत। पार्थ का तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 6:30 बज रहे, कह रहा भाई अभी तो मैं बैठा ही नहीं हूँ, 15-20 मिनट लगेंगे अभी मेरे को बैठने में भी, तो टाइम लग जाएगा आधा घंटा, मैं आधा घंटा क्या करूँगा वेट करके, तो अब सीधा अपने घर ही चलेंगे सीधा, और कहाँ जाएंगे। ये मेरी बहुत फेवरेट कार है, छोटू सी, ऐसे चूहे की तरह निकलती है, 2 लीटर ट्विन टर्बो शू। बस शाम को यही दिक्कत होती है ट्रैफिक की, 6:50 होने वाले हैं और ट्रैफिक, घर पे जाने जाने में 1.5 घंटा लग जाएगा, इतना भयंकर ट्रैफिक है, ये पूरा रेड लाइट तक होगा IT गेट की। देख रहा था शीशा साफ करने के लिए, जो क्रैच और डस्ट रह जाते हैं ना इससे शायद नहीं होंगे, ये मिल नहीं रहा था मेरे को छोटा, तो पहले लेके देखते थे अगर इससे काम बन जाएगा तो सही है, वेल एंड गुड, नहीं तो घर पे रखा हुआ है मेरे पास। उससे ना मतलब बहुत हार्ड है ये जो जैसे रबड़ है ना, वो रबड़ नहीं, वो प्लास्टिक है, एक बार लेके देख लेते हैं फिर पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी, सो फाइनली बैक होम, 9:30 बज गए आते आते, घर पे इतना ट्रैफिक था पूछो ही मत। और आप कैसे भालू बन के बैठे हो देखना, भालू ठंड हो रही है, ठंड हो रही है इनको, इनको 12-13 डिग्री में ठंड लग रही है। भालू कमजोर आदमी है ना, कमजोर आदमी, खून हल्का हमारा, ठंड लगती है भाई, हैं ठंड लगती है।
ठंड लगती है ऐसे गोगड़ की तरह बैठे, छोटे बच्चे नहीं बैठते वैसे बैठी हुई मम्मी हमारी। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ लाइक द वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू इट।